बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर ऑफिस से होंगे। मैं हूँ कोकब जुबीन और आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी भिंडी गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हमने अफ्तारी में भिंडी गोश्त के साथ रोटियाँ बनानी हैं और अभी अफ्तारी में टाइम बहुत ही कम रह गया, तो बस जल्दी जल्दी से रेसिपी बनाएंगे। 5 से 6 खाने का चम्मच ऑयल डाला और इसके बाद इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और साथ ही इसमें 1/2 किलो मटन डालेंगे। इसके साथ इसमें 2 प्याज डालेंगे। इसमें 1/2 खाने का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1/2 खाने का चम्मच सूखी मिर्च शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और अब इसे 1/2 घंटे के लिए ढक के पकाएंगे। हमने 5 से 6 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया और अब इसमें भिंडियाँ फ्राई कर लेंगे। भिंडियाँ हमने ली हैं 3 पाव। चलें जी, भिंडियाँ फ्राई हो चुकी है, अब इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब एक पैन में 7 से 8 खाने के चम्मच ऑयल शामिल किया और इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 किलो प्याज शामिल करेंगे। अब प्याज को भी फ्राई कर लेंगे। चलें जी, दूसरी साइड पे मटन भी तकरीबन गलने वाला है, इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए और पकाएंगे। चलें जी, मटन हमारा गल चुका है, मटन का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। प्याज भी ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें 3 टमाटर शामिल करेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, 1/4 चम्मच नमक शामिल करेंगे और 1/4 चम्मच सूखी मिर्च शामिल करेंगे। इसमें 1 कटोरी पानी शामिल करेंगे। मटन में 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया शामिल करेंगे, 1/2 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल करेंगे। जब प्याज का पानी खुश्क हो जाएगा फिर इसे भी हम भिंडियों में शामिल कर देंगे। चलिए, इसका पानी खुश्क हो चुका है, अब इसे भी भिंडियों में शामिल करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी भिंडी गोश्त की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।